सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं, क्लास एनसीईआरटी 7th। जी हाँ, ज्योग्राफी के। और यदि आप नए लर्नर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 6 के एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर, सुदर्शन गुर्जर। और साथ में जो है ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंसिव कवरेज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान भी दे लेंगे तो आपको नोट्स की भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सीख जाएंगे आप, ठीक है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी सुदर्शन गुर्जर, एन अकेडमी पे डेली शाम को 7 बजे आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एन अकेडमी पर भी जो है इस समय आपके लिए काफ़ी कुछ ऑफर्स हैं। फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10। इस कोड से आप इस्तेमाल करके जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो 13th of June को हो रहा है, सुबह 10 से 12 बजे। जी हाँ, तो इसकी भी लिंक मैंने दे दी है, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। इसमें आप स्कॉलरशिप, मेंटरशिप वगैरह सब कुछ जो है ना अकेडमी से ले सकते हैं। 9th of June से नए बैच शुरू हो रहे हैं, जी हाँ, जो अभी जो है रिसेंटली हुए ही हैं। तो आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेकर और नए बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर होगा इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है। अब इनसाइड अवर अर्थ में नो डाउट क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में नॉलेज लेंगे, रॉक्स मिनरल, प्राइमरी रॉक क्या होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव क्या होते हैं, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक साइकिल, सब चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक पार्ट है इसका, ये एडवांस लेवल हमें क्लास 11th में जाके मिलने वाला है। तो अभी जो है 7th में, फिर थोड़ा 9th में, फिर 11th में, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। तो एटलीस्ट थोड़े से बेस बना लेते हैं ताकि टर्म्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू करते हैं अर्थ के इंटीरियर को। सिंपल सी बात है कि जब भी आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो से एक बहुत बड़ी बात प्रूफ निकल के आती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पेड़ लगाया हुआ है, यहाँ बैठे हैं आप, और आपके सामने एक ज्वालामुखी निकला है, तो कितनी एक बेसिक चीज़ है कि ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, ठीक है। और लावा एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि अर्थ के इंटीरियर में एक जैसी सिमिलैरिटी नहीं है। क्यों? यदि लावा नहीं निकल रहा होता तो हम यही मान के चलते कि हमारा अर्थ जो है वो सारा पूरा जो है सॉलिड है, मतलब एक तरह से ठोस अवस्था में। बट लावा निकलना मतलब एक प्रूफ हो गया है कि अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और यही आपको एक एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम मिलेगा। इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं हम लोग, कि जब भी हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पहली लेयर होती है उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है, क्रस्ट। अब ये है क्या, देखिए समझिए, ये जैसे आपकी अर्थ है, तो ये मान लीजिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इसके इंटीरियर में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सेंटर तक ले जा रहा हूँ, कोर तक ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली लेयर, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो आप, तो सबसे पहला काम ये कर लो कि ये तो क्रस्ट को याद रखना है, क्रस्ट मतलब जिस पे हम लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ठीक है। लगभग लगभग ये 0 से 34-32 किलोमीटर तक के आसपास रहती है, ये मोटाई है इसकी क्रस्ट की, ठीक है। क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर होगी वो होगी मेंटल, मेंटल जिसको भू प्रवार कह सकते हो, और ऊपर वाली को भू परपटी कह सकते हैं आप। और नेक्स्ट वन इज योर कोर, नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, कोर होगा, ठीक है। तो यही वो समझाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली लेयर क्या बताई मैंने आपको, अर्थ की पहली लेयर जो होती है वो क्या होती है, बोले सर क्रस्ट होती है। लेकिन भाई क्रस्ट के बाद आगे जाओगे आप तो वाटर भी तो है ना उसमें, ये पानी भी तो आ रहा है, तो क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट वाला भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय भूपर्पटी भी हो सकती है, और ओशनिक क्रस्ट भी हो सकता है, ओशनिक क्रस्ट भी हो सकता है। तो क्रस्ट में याद रखना थिकनेस किसकी ज्यादा रहेगी, तो थिकनेस क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है ओशनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में। मैं आपको बहुत काम काम की चीजें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। ये देखो, जैसे ये कॉन्टिनेंट मतलब समझ गए, पेड़ मतलब ये पर्वत वगैरह जो है लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इतना, उसके बाद में ओशनिक क्रस्ट ये कम हो गया है, तो थिकनेस जो है। अब नॉर्मली दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कई बार अभी आप ऐसा समझ सकते हैं बेसिक लेवल पर कि देखिए मान लो एक पेड़ लगा हुआ है तो उसकी भी तो रूट्स रहती हैं, ठीक है, तभी तो सपोर्ट कर पा रहा है कि रह पा रहा है। कई बार ऐसे ही है कि जो भी पर्वत आपको जितने ऊपर दिखाई देते हैं वही माउंटेन का जो बेस है थोड़ा बहुत उतना नीचे भी मिलेगा, नहीं तो इतना बड़ा पर्वत कैसे रुक पाएगा अर्थ पे। तो अभी आप इतना ध्यान रखें कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है ओशनिक क्रस्ट के, ठीक है। क्रस्ट मतलब वो सॉलिड सरफेस जिसपे नॉर्मली, तो देखो इसमें बोला है इसने कि सेवरल लेयर से बना हुआ है, ठीक है, 6400 के आसपास इसका रेडियस है, मतलब आपको इतने किलोमीटर तक अंदर जाना है। क्रस्ट क्या बोल रहा है, अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है, पृथ्वी की जो सतह है वो आपके लिए क्रस्ट है जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है। 34, 35, 36 किलोमीटर के आसपास लगभग ये देखने को मिलेगा, और ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। मैंने अभी जो बताया आपको कि ओशन वाले हिस्सों में
ओशन वाले हिस्सों में ये चीज़ क्या देखने को मिलेगी, कम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, ये जो बता रहा था मैं आपको। लेकिन इस स्टेटमेंट को कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में नहीं पूछेगा। यूपीएससी को यदि पूछना है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो है कम है ओशनिक क्रस्ट की अपेक्षा, ऐसे स्टेटमेंट बना दिए तो आप रॉन्ग तो कम से कम बोल ही सकते हो ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें आप लोग, क्वेश्चन कैसे भी इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, अब सही बात है, पहला आप बोल तो रहे हो कि ये क्रस्ट है, किस चीज से बना होगा, तो वो क्रस्ट पहली लेयर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, इसमें आपको याद रखना है सियाल, सियाल, सियाल मतलब समझ रहे हो, सिलिकॉन और एल्यूमिना वाला जो है, सिलिकॉन और एल्यूमिनिया से बना है, सिलिका और एल्यूमिनिया से बना है। ऐसे ही ओशियन का जो रॉक है वो अलग चीज से बना है, तो क्या होगा, अब इसको समझ लीजिए आप, ये एक बात और याद रखें, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, थिकनेस इसकी ज्यादा है, थिकनेस इसकी कम है। अगले वर्ड याद रखना है आपको, ये सियाल से बना है, ये सीमा से बना है, ठीक है। सियाल, सिलिकॉन, एलुमिना, सिलिकॉन और ये आपका हो गया मैग्नेशियम वाला जो बात, तो ये सिलिका हो गया और ये मैग्नेशियम, सीमा, ये सियाल, ठीक है। तो मैच द कॉलम कर लोगे इनका, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मैच द कॉलम होगा सियाल से, ध्यान रखना, ओशनिक क्रस्ट का मैच द कॉलम होगा सीमा से। ऐसे सवाल में कभी वो ऐसा भी तो कह सकता है सियाल की थिकनेस ज्यादा है सीमा से क्रस्ट के मामले में, क्रस्ट में सियाल ज्यादा है सीमा में, क्यों, इसको कैसे कनेक्ट कर पाओगे, बहुत ही आसान है, सियाल आपको पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है, सीमा पता है ओशनिक क्रस्ट का होता है, तो थिकनेस इनकी ज्यादा है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है अपने को, तो क्रस्ट की पैटर्न आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए, लिथोस्फियर वाला ऐसा चल रहा है। अब देखो ये डायग्राम देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो सॉलिड है, ये पेड़ लगा दिया मान लो मैंने यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला जो सॉलिड है ये क्रस्ट है, ठीक है। अब इसके नीचे जितना ही जा रहे हो तो अंदर नो डाउट वॉल्केनो से प्रूफ हो जाता है कि भाई अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अर्थ के अंदर, तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अर्थ में। सवाल उठेगा कि कहाँ से उठा, तो 11th क्लास तक हम पढ़ लेंगे कि बहुत अंदर जो है हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जिसको आप कह सकते हो रेडियो धर्मी, जैसे बहुत ज्यादा जिनकी खुद की थर्मल हीट होती है, जी हाँ, तो ऐसे एलिमेंट्स के कारण अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है। अब वो इतनी गर्मी रहती है कि उसमें नॉर्मली थर्मल डिफरेंस के कारण वो मूवमेंट होने लगता है, तो इसके मूवमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आगे आएंगे, ये बहुत डिटेल वाली चीजें हैं। 7th लेवल पे इतना याद रखना कि जहां पर अर्थ का ये मैग्मा बैठा हुआ है, पृथ्वी का जो मैग्मा बैठा हुआ है, मतलब एक्चुअल में आप मुझसे यहाँ पूछोगे तो ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो क्या है, ऊपर वाला लेयर है क्रस्ट है, दूसरी लेयर क्या है मेंटल है, तो मेंटल तक जाते जाते ना टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जी हाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ये वाली जो लेयर आ रही है बीच में, इसको एक बार आप लोग जो है थोड़ा कलर से भी और देख सकते हैं, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ये जो लेयर आ रही है ये वाली बीच में, किसमें, मेंटल में, और इस मेंटल में जहां पर ये लावा आपको देखने को मिल रहा है, लावा जहां पर देखने को मिल रहा है उस वाले रीजन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज एस्थेनोजफियर, एस्थेनोजफियर, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फियर। तो ये देखो द एस्थेनोस्फियर इज हाईली विस्कस, विस्कस मतलब होता है श्यानता, मतलब बहुत ही गाढ़ा, जिसको आप कह सकते हो प्रेशर बहुत है, इसके कारण वो इतना फ्लूइड नहीं है, बह नहीं पाता है, मतलब वाटर और हनी को आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, हनी जो है, शहद जो है वो हाईली विस्कस है, मैकेनिकली वीक है, मतलब इतना भी ऐसा स्ट्रांग नहीं है। तो अब देखो बहुत सारे वर्ड यहां पर आ गए, एक आ गया एस्थेनोस्फियर, ठीक है, सबसे पहले याद रखो लोकेशन इसकी, अभी इतना याद रखो कि ये मेंटल में मिलेगा, मेंटल में मतलब ये क्रस्ट के बाद वाला जो एरिया है धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेंटल में भी, स्पेशली अपर मेंटल में, पहली बात। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेनो, एस्थेनो का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है, वीक, तो वही है कि अभी आप इसको देखोगे इस डायग्राम को तो तुरंत देख के समझ जाओगे कि ये इतना मजबूत थोड़ी दिखाई दे रहा है, ये वीक है, मूव कर रहा है ना अंदर, इसलिए वीक कह रहे हैं इसको हम, तो वीक मीन्स एस्थेनो, तो एस्थेनोस्फियर हो गया, ठीक है, आ गई बात समझ में, तो यहां तक याद रखना, तो द एस्थेनोस्फियर इज हाईली विस्कस, विस्कस मतलब जो कि काफी ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि गाढ़ा हो, या मूवमेंट उसका इतना जल्दी ज्यादा हो नहीं पा रहा हो, बहुत ही तेज, स्लो मूवमेंट मान के चलिए, ठीक है, बहुत ही स्लो मूवमेंट। तो लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फियर, जस्ट बिलो द लिथोस्फियर मतलब क्या, ध्यान रखिएगा जब भी लिथोस्फियर आए ना आप 100 किलोमीटर काउंट कर लिया करो, 100 किलोमीटर नीचे आप जाओगे तब मिलेगा आपको ये, मतलब ऊपर उसमें क्रस्ट भी आ जाएगा और कुछ अपर मेंटल का हिस्सा भी आ जाएगा, ठीक है। तो लिथोस्फियर में याद रखना है क्रस्ट की बात कर रहा है और सम पार्ट ऑफ
अपर मेंटल कह रहा है वो। इसको डायग्रामेटिकली देखना है तो इधर देख लो जल्दी से, ये मान लीजिए 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, ठीक है, आई बात समझ में। तो आगे जो है जब तक सॉलिड स्टेट मिलती जा रही, क्योंकि सॉलिड अभी थोड़ा एकदम से जल्दी से लिक्विड वगैरह ऐसे शुरू नहीं होता, मैग्मा टाइम लगता है। तो करीब 100 किलोमीटर तक, ये तो 34 तक तो क्रस्ट था, तो 100 किलोमीटर तक जो है इतना पूरा जो है ये लिथोस्फियर मान रहे हैं हम लोग। तो जब तक सॉलिड मिलेगा तब तक लिथोस्फियर है, उसके बाद जब से ये मूवमेंट शुरू, आपको मतलब मैग्मा दिखेगा, लावा गर्मी जो दिखने लगेगी वो आपका क्या हो जाएगा, एस्थेनोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो लिथोस्फियर के बाद वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा, एस्थेनोस्फियर। तो कल को कोई बोले कि ऊपर से जब आप चलोगे तो सीक्वेंस क्या होगा, तो पहले लिथोस्फियर होगा और फिर क्या होगा, एस्थेनोस्फियर होगा। मतलब इस डायग्राम में अब आप बहुत ही आराम से देख सकते हो कि ऊपर ये लिथोस्फियर है, दिस इज द लिथोस्फियर रीजन, और ये एस्थेनोस्फियर, ठीक है, ये एस्थेनोस्फियर है। तो दो तीन वर्ड क्लियर हो गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जल्दी आप समझ लीजिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं आप जल्दी से, क्रस्ट बताया, क्रस्ट में सियाल, स्पेशली कॉन्टिनेंट क्रस्ट में, ओशनिक क्रस्ट में सीमा, ठीक है। थोड़ा सा और गहराई में जाओ, लिथोस्फियर चलता रहेगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा, नेक्स्ट वन इज योर एस्थेनोस्फियर। प्रैक्टिकली एस्थेनो या जिसको दुर्बलता मंडल कह रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकली ये कहाँ आ चुके हो आप लोग, प्रैक्टिकली आप लोग मेंटल में आ चुके हो, ठीक है, मेंटल में आ ही चुके हो। तो मेंटल जो है अगली लेयर वो कहना है, ध्यान रखिएगा। मेंटल में भी आप मुझसे पूछोगे तो इसमें भी आपको जो है सीमा देखने को मिलेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाली मेन चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब सर ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल का जो कंपोजिशन है लगभग एक जैसा मिलेगा सीमा, लेकिन नो डाउट डेंस होगा मेंटल का जितना गहराई में जाओगे। और तीसरी जो लेयर आएगी लास्ट वाली, उसको क्या कहा है इन लोगों ने भी, कोर। देखो सेवेंथ क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें समझाई है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना पड़े, एकदम से नई चीजें याद करना ना पड़े। तो जो लास्ट लेयर है वो है कोर, और कोर में जो इन्होंने वर्ड यूज किया वो किया है निफे। निफे निफे मीन्स निकल एंड फेरस, आयरन लोहा। तो इट मीन्स दैट कि ये अब आपके सामने तीन लेयर में बना देता हूँ, एक में सियाल लिख देता हूँ, एक में सीमा लिख देता हूँ, एक में निफे लिख देता हूँ, और एक में ओशियन क्रस्ट के केस में सीमा लिख देता हूँ। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, ये हो गया आपका कोर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये तीनों का सीक्वेंस याद रखना है आपको। इसी रीजन में हमें एस्थेनोस्फियर मिलेगा। अब कमेंट में बताना है कि एस्थेनोस्फियर, कमेंट में बताना है एस्थेनोस्फियर इज रिलेटेड विद सियाल और सीमा, बताओ। अब बताना एस्थेनोस्फियर, हिंट दे देता हूँ, लोकेशन समझो एस्थेनोस्फियर की क्या है, उसके बाद फिर बताना, ठीक है। अब नो डाउट सही बात है, सेंट्रल कोर के पास तो भाई बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ही होगा, उसका तो कोई कह ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको कहाँ मिलेगा, तो इनर कोर में मिलेगा, इनर कोर वाला हिस्सा जो होगा, दबाव लगेगा पूरी पृथ्वी का, ठीक। तो ये आप समझ में आ गया कि लिथोस्फियर के बाद एस्थेनोस्फियर आएगा, जी हाँ। फिर अभी आप देखेंगे, ध्यान से सुनना, आगे जैसे ही पढ़ोगे ना तो ये मीसोस्फियर वगैरह के कॉन्सेप्ट एवरीथिंग सब कुछ कवर होगा, आप चिंता ना करना, अभी सिर्फ आप बेसिक लेवल पे लर्निंग ले लीजिए। तो कल को कोई बोले कि एस्थेनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, तो ये गलत है ना। एस्थेनोस्फियर मेंटल में, स्पेशली अपर मेंटल में, अपर मेंटल में 700-800 किलोमीटर तक आपको ज्यादा मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वापस सॉलिड होने लगती हैं चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं पूरी पृथ्वी जो है अंदर तक बिल्कुल ही एकदम ही ज्यादा जो है बड़े लेवल पर मैग्मा दिखा रही हो, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, ध्यान से सुनना, अब आप समझ गए कि सर ऐसा है क्रस्ट तो मैं रहता हूं और अंदर सप्लायर है मेरे पास, नाम उसका क्या है, एस्थेनोस्फियर। ये किस चीज का सप्लायर है, सर जी ये लावा का सप्लायर है, लावा यहीं से तो निकल रहा है यार। अब लावा बाहर आएगा तो बाहर आकर ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद क्या बना लेगा, रॉक। इसलिए तो रॉक पढ़ते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि रॉक वगैरह जो बन रहे हैं, मिनरल्स बन रहे हैं, देखो रॉक है क्या, रॉक जो बना है वो लावा से बना है, और लावा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, खनिज हैं। तो इनकी ग्रुपिंग कर दो आप, तो एज अ रिजल्ट आपके पास रॉक आ जाएगा। तो मिनरल्स जो है, मिनरल्स की जो ग्रुपिंग है उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, रॉक। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि ऐसी वो चीज़
जिससे अर्थ का क्रस्ट बना। सही बात है, अर्थ क्रस्ट। यदि मैं आपसे पूछूं धरती जो बनी है किससे बनी, तो पहला शब्द आपका क्या निकल के आएगा? रॉक ही तो निकल के आएगा, चट्टान ही तो निकल के आएगी। लेकिन नो डाउट सारी दुनिया के रॉक एक जैसे नहीं होते, कलर साइज टेक्सचर सब अलग अलग होता है। टेक्सचर मतलब कि कौन कैसा दिखाई दे रहा है, क्रिस्टलाइन नेचर है, कितना रफ है, कितना एकदम स्मूथ है, ये टेक्सचर की बात कर रहा है। ठीक है, तीन टाइप के रॉक पढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत हो चुकी है बेसिक लेवल की, क्लास 11 तक जाते जाते आप बहुत ही डिटेल में पहुंच जाएंगे। लेकिन नो डाउट तीन लेवल आपको याद रखना होगा, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री और एक मेटामॉर्फिक। बहुत सिंपल चीज है, इग्नियस को हिंदी में कहते हैं आग्नेय, सेडिमेंट्री को कहते हैं अवसादी, और मेटामॉर्फिक को कहते हैं कायांतरित, रूपांतरित, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या किया इसमें, सबसे पहले जैसे इग्नियस की बात कर लें, तो इग्नियस तो हमेशा याद रखो ये वर्ड बना है इग्निस से। इग्निस का मतलब होता है फायर, फायर का मतलब अपने लिए यहाँ पर क्या है, अग्नि। हिंदी में आग्नेय कहेंगे, तो आग्नेय अग्नि याद रखना, आग्नेय और अग्नि मतलब क्या, सब कुछ मिला दो आप तो एक वर्ड निकल के आएगा ज्योग्राफी में, दैट इज वोल्केनो, लावा। तो वोल्केनिक लावा जो रहेगा उससे, या लावा से जिसको आप कह सकते हो डायरेक्ट, कि लावा से डायरेक्ट कूल डाउन होने पर, ठंडा होने पर, जैसे लावा अंदर से बाहर आएगा और जो सॉलिड स्टेट लेगा उससे जो रॉक बनेगा वो कहलाएगा इग्नियस रॉक। इट मीन्स दैट कि जो इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस रॉक आप कह रहे हो, ये सबसे प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले यही बनेगा ना जो भी बनेगा रॉक, क्योंकि ये डायरेक्ट लावा से बन रहा है, इसीलिए इसको हम इग्नियस कह रहे हैं। लेकिन मान लो आज कोई रॉक लावा से बना, आज कोई रॉक लावा से बना, उसको आपने बोल दिया क्या कि ये क्या है, इग्नियस है। बट खुद सोचिए 1000 साल के बाद इसको देखने आओगे तो सेम वैसे ही रहेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर वैसा तो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? तो सर ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? सनलाइट है, इसको गर्मी दे रहा है, रोज इसका टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, बारिश आ रही है, हवा लग रही है, तो कमजोर होता चला जाएगा ये। इरोजन जिसको आप कह सकते हो, वेदरिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, आगे शब्द बहुत आएंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है। अपरदन अपक्षय हिंदी में कहते हैं, मतलब क्या हुआ कि जो इग्नियस रॉक हो या कोई भी रॉक हो, खुद खुद अगले आने वाले भी रॉक हो, यदि वो सनलाइट वगैरह के प्रेजेंस में आने लगेगा तो धीरे धीरे वो कमजोर होने लगते हैं। और कोई बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ रॉक, कोई ऑलरेडी बना हुआ रॉक मतलब इग्नियस है मान लो, वो टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा उसका। और ब्रेक डाउन होकर जो ब्रेक डाउन होगा उन चीजों को क्या बोलोगे आप, सेडिमेंट। इनके एक साथ कनेक्ट होने के बाद जब ये इकट्ठे हो जाएंगे कहीं, दबाव वगैरह लग गया, तो इकट्ठा होने के बाद जो रॉक बनेगा वो बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री में दोनों में अंतर है, एक लावा से बनता है और एक उसी के सेडिमेंट से बनता है। ठीक है, सेडिमेंट का खुद सेडिमेंट बन के फिर से सेडिमेंट्री बन सकता है। तो देखो क्या लिखा है, प्राइमरी रॉक जब पिघला हुआ लावा ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है, उसको फिर हम इग्नियस कहते हैं। इसलिए लावा से बन रहा था सबसे पहले प्राइमरी, इग्निस का मतलब होता है फायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब अंदर से निकल रहा था इग्नियस रॉक आपका, मान के चलिए अंदर से लावा आ रहा था। अब जरूरी नहीं ना लावा जितना आ रहा है वो सारा का सारा बाहर आ जाए सरफेस पर, नहीं, तो कुछ बाहर निकल आया तो ये आपका क्या होगा, एक्सट्रूसिव हो गया, और जो अंदर चला गया दरारों में, क्रैक वगैरह में, वो क्या हो गया, इंट्रोसिव हो गया। तो मतलब ये याद रखना, कल को कोई पूछ ले कि जो रॉक बनते हैं इग्नियस वो क्या हमेशा बाहर ही बनते हैं क्या, एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य और इंट्रूसिव मतलब आंतरिक, तो कोई बाहरी बनता है अंदर बनता है, तो दोनों जगह बन सकता है। इसको कैसे सोचो, ऐसे सोचो कि जब लावा निकल रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि लावा या मैग्मा अंदर, अच्छा मैग्मा वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब पृथ्वी के अंदर हो, अंदर हो गहराई में, बाहर आ गया तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब कोई रॉक मतलब जब लावा निकल रहा था तो अंदर तो मैग्मा था, बाहर आया लावा बोल रहे हैं, तो दोनों जगह भी तो ठंडा हो जाएगा ही। हाँ नो डाउट अंदर का ठंडा थोड़ा मतलब आराम से होगा, बट सॉलिड तो ये भी हो ही जाएगा, ये भी सॉलिड हो जाएगा, तो दोनों रॉक बन गए। तो ऊपर वाला रॉक क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव कहलाएगा, और नीचे वाला जो रॉक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल इंट्रूसिव कहलाएगा। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव समझ में आया, जो अंदर बन रहा है, इंट्रूसिव क्या, अंदर बनने वाला। जी हाँ बिल्कुल, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना, भूलना मत। इसके बाद में एक चीज और याद रखेंगे यहां पर, इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं एक डायग्राम की मदद से, ध्यान से सुनिएगा।
जैसे ये लावा बाहर आ रहा था, ये पेड़ लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जी हाँ, लावा निकला ये बाहर, मान लीजिए, तो जो बाहर कूल डाउन होगा दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रूजिव, ओके, बाह्य। और जैसे अंदर आएगा ये इंट्रूसिव, अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा, इंट्रूसिव। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल दे रहा है वो कि कई बार क्या होता है कि लावा जब बाहर निकल रहा होता है तो बाहर निकलने के बाद कूलिंग इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी फास्ट होती है, ठंडा जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार के जैसे ओशियन के जो रॉक होते हैं, बेसाल्ट एग्जाम्पल याद रखो आप, बेसाल्ट जो होता है वो एक्सट्रूसिव होता है, ध्यान रखेंगे। और अंदर जैसे बनना हो तो जैसे ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल, ग्रेनाइट प्रकार का रॉक। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ये लावा निकल रहा है तो भाई ये बाहर निकल रहा है तो ठंडा होगा ना। अब बाहर आ गया ये, तो ठंडा होने के बाद ठंडा होगा तो ये जो भी रॉक बनाएगा मान लो, तो ये बेसाल्ट रॉक बोलेंगे इसको भी आप थोड़ी देर, ठीक है। बाहर एक्सट्रूसिव दिख रहा है ना आपको, लेकिन अंदर भी ये कहीं चला गया होगा। यदि मान लो अंदर भी निकलते समय इनके रास्ते में अंदर ही अंदर कहीं इधर उधर चला गया, तो वो भी ठंडा होके, तो वो क्या होगा, वो इंट्रूसिव होगा। एक एक्सट्रूसिव बाहर और एक अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब सरफेस पे आ जाता है तो वो नो डाउट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाएगा, एक्सट्रूसिव जिसको आप कह सकते हो। इसमें एक एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, जैसे इंट्रूसिव वर्सेस एक्सट्रूसिव, जैसे बाहर जो बनता है बेसाल्ट दिखता है, एंडेसाइट दिखते हैं, रायोलाइट, स्कोरिया, इस तरह के जो रॉक दिखाई देते हैं ये सब बाहर बनते हैं। बाहर मतलब जब लावा सरफेस पे आ जाए, ठीक है। इसमें ये एग्जाम में बहुत आता है सर, बेसाल्ट। ये भी होते हैं, थोड़े कम गहराई में रहते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं रहते, ऊपरी हिस्से में ही रहेंगे, लेकिन बेसाल्ट बहुत ज्यादा काम का है। इंट्रूसिव जो अंदर गहराई में मिलेंगे ज्यादातर, ये ग्रेनाइट फीचर बहुत काम का है। ग्रेनाइट जो रॉक मिलेगा आपको कंपेरेटिवली, गैब्रो वगैरह भी जब जनरली देखोगे, हालांकि इनमें सब में यदि मुझसे आप पूछोगे तो ये वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा गहराई में मिलेगा ग्रेनाइट, और ये ऊपर मिलेगा। मतलब आप ये मान लीजिए पेड़ लगा दिया मैंने, ये ओशियन है, तो ये ओशियन का जो रॉक ऊपर वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको बेसाल्ट मिल जाएगा, ऊपर वाला ही। तो ये बेसाल्ट, तो कल को कोई पूछे कि ओशियन रॉक किससे बने हुए हैं, तो ऐसे डार्क रॉक से बने होते हैं। इनके पीछे के जो लॉजिक्स हैं सब धीरे धीरे आगे आएंगे, चिंता नहीं करो। अभी सिर्फ बेसिक लेवल पे याद करो कि इग्नियस जो होता है वो दो होते हैं, एक एक्सट्रूसिव होता है, एक इंट्रूसिव होता है। फील करो, इंट्रूसिव मतलब मैग्मा अंदर ही जम गया, एक्सट्रूसिव मतलब मैग्मा बाहर आ गया। कूलिंग फास्ट, कूलिंग स्लो, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ऊपर इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट, अंदर वाला एग्जाम्पल ग्रेनाइट, दो याद रखो बस अभी आप, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हमने इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब वो सेडिमेंट्री की कह रहा है। अभी मैं बता रहा था कि कोई भी रॉक क्या होगा, सबसे पहले क्रैक हो गया, टूट गया, आपस में टूट गए, तो वो सेडिमेंट टुकड़े टुकड़े जब हो जाएंगे, सेडिमेंट, कौन तोड़ रहा है ये, बाहर का नेचर। अब ये क्या होंगे कि ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पर्वत था और यहाँ से जो है टूट के कहीं जाकर ये स्लोप में इकट्ठे होकर, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लो आप, ये यहाँ पर जैसे अब ये टूट के कहीं इधर इकट्ठे हो गए स्लोप को फॉलो करते हुए, तो यहाँ एक नया रॉक बन जाएगा, उसको आप सेडिमेंट्री बोलोगे। तो वो सेडिमेंट्री यही कह रहा है कि सेडिमेंट से बने हुए हैं जो ऑलरेडी जो रॉक बने हुए हैं, तो ये जो लूज सेडिमेंट है आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब बनेगा सेडिमेंट्री। जैसे सैंड स्टोन जो है आपका, सैंड स्टोन, ठीक है, बलुआ पत्थर, खुद सोचो ना, सैंड स्टोन लावा से थोड़ी बना होगा। जो सैंड स्टोन की ये सरफेस दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये कोई लावा से नहीं बना है, ये सैंड स्टोन का जो सरफेस है नो डाउट ये सेडिमेंट से, मतलब कोई रॉक है वो टूटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर नया रॉक बनाया उसने, तो वो सेडिमेंट्री हो गया। लेकिन कई बार इतना पुराना रहता है ये, मतलब पुराना इन द सेंस कि जब बनते समय मान लीजिए कोई पेड़ पौधे अंदर चले गए, उसमें वेजिटेशन चला गया, जीव जंतु चले गए, तो फॉसिल्स जरूर मिलेंगे उसमें, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस चीज का, एमपीपीएससी या जो भी स्टेट पीएससी देते हैं यहाँ। क्या क्वेश्चन है कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में दोनों में से फॉसिल जीवाश्म किसमें मिलेगा, जीवों का अंश किसमें मिलेगा। कॉमन सेंस है, इग्नियस लावा से बन रहा है, लावा में इतनी गर्मी होती है कोई लाइफ खत्म हो जाएगी, सेडिमेंट्री में फॉसिल मिलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे आपको मैंने बोला कि कोयला, तो तुरंत आप समझ जाओगे सर ये सेडिमेंट्री है ना। जैसे मैंने कहा लाइमस्टोन, चूना पत्थर,
ये भी सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन अभी मैंने बोला बेसाल्ट, बेसाल्ट कहा तो आप कहोगे सर ये इग्नियस है, आग्ने चट्टान। अब इन जो ऑलरेडी बने हुए रॉक्स हैं, इनमें जब कभी कभी क्या होता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इन द सेंस कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ये एस्थेनोस्फियर वाले डायग्राम में, जैसे अभी एस्थेनोस्फियर कैसे मूव कर रहा है, तो ऊपर का क्रस्ट भी हमारा मूव करता है, ऊपर वाले क्रस्ट पे भी दबाव, जैसे मान लो ये इधर जा रहा है तो ये सब दबाव डालेगा एक दूसरी चीजों पर, ठीक है, इधर से क्रैक फॉल्ट डेवलप हो जाएगा। मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो है चीजें बहुत बदलती हैं, बहुत दबाव लगता है। कौन लगा रहा है ये दबाव? ये अर्थ के अंदर जो एस्थेनोस्फियर है वो दबाव लगाने का प्रयास कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, कई बार जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट था ऑलरेडी ऐसा, अब अंदर का मैग्मा जो एस्थेनोस्फियर में दो अलग अलग दिशाओं में मूव करने लगा, ये क्रैक हो जाएगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर भी लगेगा, वो तो यहाँ पर हर पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी रॉक्स हैं उसको रोज कभी ना कभी जो है हमें, जैसे हम देख सकते हैं कि रोज अर्थ का प्रेशर लेना पड़ सकता है, हीट लेनी पड़ सकती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लो ये रॉक था ऑलरेडी बना हुआ, लावा निकल के आया, तो लावा निकल के आया, लावा बह गया, तो ये तो नया रॉक बन ही जाएगा, बट ये ऑलरेडी जिस रॉक पर ये आकर कॉन्टेक्ट में आया, तो यहाँ का भी तो टेम्परेचर बदल दिया ना इसने, तो यहाँ ये रॉक बदल जाएगा, पहले जैसा रॉक नहीं रहेगा। सोचिए ना, यहाँ लावा यदि आके इकट्ठा हो जाए तो पुराना रॉक वैसे का वैसे ही रहेगा क्या? या मैंने जोर दोनों साइड से, मान लीजिए कई बार कंप्रेशन में इतना जोर से टकराता है हिस्सा पृथ्वी का एक दूसरे वाले रीजन में, तो दबाव जब डालेगा तो ऑलरेडी जो रॉक है उन पर प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी क्या होता है कि कोई भी रॉक हीट पे प्रेशर पे, उसके जनरली आप देखोगे कि इसके इफेक्ट में आता है अर्थ के हीट और प्रेशर में, तो कई बार ये होता है कि इतना ज्यादा यदि हम लोग देखें बड़े लेवल पे यदि हम लोग बात करें, तो बहुत ही ज्यादा जो है इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, कोई भी रॉक, कोई भी रॉक, इग्नियस सेडिमेंट्री या खुद मेटामॉर्फिक, यदि इस पे हीट प्रेशर डाला आपने, तपा दिया इसको, इसको बहुत दबाव के अंदर डाला, ये हम नहीं डाल रहे हैं, ये मदर अर्थ डाल रही है, जी हाँ, तो उसका एक नया रूप बदल जाता है, उसका पूरा फॉर्म जो है वो बदल जाएगा। मतलब बहुत सिंपल चीज है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग नॉर्मली बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट रॉक इग्नियस था, बट इस पे बड़े लेवल पे दबाव वगैरह लग जाए तो ये चीज किधर आ सकती है, नीसिक में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे लाइमस्टोन चूना पत्थर है, लाइमस्टोन पे यदि और ज्यादा बड़े लेवल पे हीट वगैरह लग गई तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्ट हो रहा है, इसको एक्स्ट्रा मेहनत, मतलब जब अर्थ की दबाव और गर्मी और जो प्रेशर और हीट जब लगेगा तब ये इसके फॉर्म जनरली जो है बदल जाएंगे, ठीक है। तो लाइमस्टोन समझ में आ गई बात, लाइमस्टोन के बाद में मान लो कोल है, तो कोल कन्वर्ट होके कई बार जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके यही डायमंड मिलने लगते हैं। अब डायमंड देखो क्या है, डायमंड मेटामॉर्फिक है, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्रेफाइट क्या है, मेटामॉर्फिक है, ये भले ही कुछ भी है, ये भले ही मान लो सेडिमेंट्री था, कोयला सेडिमेंट्री था, समझ में आई ना बात, लेकिन इनके जो पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। तो कल को कोई अपने से ये पूछ ले कि कोल किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो एटलीस्ट हम लोग याद तो रख सकते हैं कि सर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, आगे जाके फ्यूचर में वो डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। आगे यदि मान लो लाइमस्टोन का पूछ ले, तो लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो सकता है, मार्बल, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लिया उसने बेसिक लेवल पे कि ग्रेनाइट जो रॉक था, ग्रेनाइट मतलब तुरंत बुद्धि जानी चाहिए सर इग्नियस, जी हाँ, तो ग्रेनाइट भी कन्वर्ट हो सकता है नीसिक रॉक में, नीसिक रॉक बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी बने हुए रॉक से बने होते हैं, नीसिक है, मार्बल है, एंथ्रासाइट कोयला है, ये कोल जो बेस्ट क्वालिटी कोल समय लेने पर, हीटिंग लेने पर बन जाता है, स्लेट है, जो सैंडस्टोन था आपका, सैंडस्टोन जो था वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे फिर मान लो शेल रॉक है, शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, एक प्रकार का शेल ये रॉक है, ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो रॉक हैं ये ऐसे डायरेक्ट लावा से नहीं बने, ये कन्वर्ट होके बने, तो जो कन्वर्ट होके बनेंगे, कन्वर्ट होके जो बनेंगे, जी हाँ, वो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का नाम ही है, उसका मतलब देखोगे तो टू चेंज इन फॉर्म, रूप ही बदल जाए। भाई कोल और डायमंड दोनों कार्बन है लेकिन दोनों के रूप बदले हुए हैं, ध्यान दो, डायमंड ने उतनी हीट ली है, उतना दबाव लिया है, इसलिए ये थोड़े से कम बनते हैं और उतने ही ज्यादा हार्ड भी होते हैं, उतनी ये वैल्यूबल होते हैं, जी हाँ,
तो सही बात है, हम भी अपने आप को जो है मेटामॉर्फिक रॉक की तरह बनाने का प्रयास करें। जितना हीट जितना दबाव ले पाओगे आप, उतना ही बेहतर बन के आओगे, उतना ही शाइन करेंगे आप, समझ रहे हो। तो ये है अपने रॉक्स की बात। अब वो आगे बोलता है रॉक साइकिल पढ़ो कैसे। सबसे पहले कोई भी चीज की शुरुआत हुई तो मैग्मा से हुई थी ना भैया, लावा से। लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा हुआ तो क्या बना सबसे पहले, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। वो टूटने के बाद देखो इधर इग्नियस रॉक बन गया सबसे पहले, टूटा। अब टूटने के बाद सेडिमेंट इकट्ठे हुए, सेडिमेंट के मिलने से सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब सेडिमेंट्री या तो डायरेक्ट पिघल गया लावा में तो भी मैग्मा में चला जाएगा, वापस यहीं से शुरू होगी गाड़ी। इसी पे दबाव वगैरह लग गया तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित कायांतरित चट्टान है, ठीक है। अब इसमें भी यदि लावा वगैरह पिघल गया तो आफ्टरऑल लावा इतनी गर्मी में तो हर चीजें पिघल ही जाएंगी, तो वापस मैग्मा में बनेंगे। इग्नियस भी खुद जाकर जो है सेडिमेंट्री में तो जा रहा है, इग्नियस भी तो पिघल सकता है दोबारा, वो यहीं वापस जा सकता है। या इग्नियस से जैसे ग्रेनाइट से डायरेक्ट प्रेशर हीट के बाद हम लोग नीसिक की तरफ पहुंच गए, तो ग्रेनाइट से नीस भी जा सकते हो। मतलब हर रॉक किसी में कन्वर्ट हो सकता है। सेडिमेंट्री इग्नियस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? ऐसे नहीं होगा, उसको पहले लावा में जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि इग्नियस जा रहे हो तो आपको लावा में जाना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, सबसे पहले बनता है इग्नियस रॉक, इग्नियस के टूटने से सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों पे यदि दबाव लग जाए तो वो मेटामॉर्फिक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक पे भी खुद पे भी दबाव लग जाएगा, जैसे अभी बता रहा था मैं ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक बन गया कोल से, और आगे जाओगे तो फिर डायमंड बन जाएगा। मतलब इसी को ही समझना है आपको कि मेटामॉर्फिक रॉक पिघल भी सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक खुद अपने आप में टूटने के बाद सेडिमेंट बन जाएगा। आफ्टरऑल ये भी टूटेगा, बट थोड़ा लेट टूटेगा, ये जरूर है। तो रॉक साइकिल का मतलब समझिए कि लावा से शुरू हुए हो ना, एट द एंड सबको टूट के लावा में ही जाना है, सब कुछ अलग अलग प्रक्रिया बना के, ठीक है। तो एक ये साइकिल है, रॉक साइकिल। तो जरा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लास में तो नो डाउट आप एक बात तो क्लियरली मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आप में यदि हम लोग बात करें तो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स से मिलके ही बने थे ये, और यही मिनरल्स हमें फिर हम लोग माइनिंग की हेल्प से निकाल लेते हैं। जैसे इन्हीं रॉक्स में आयरन छुपा होता है, एल्यूमिनियम, जैसे सियाल सीमा पढ़ रहे थे आज, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली हम लोग जो है इनको निकाल सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। तो मिनरल्स और रॉक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है, मिनरल्स से मिलके रॉक बना है और उन्हीं की माइनिंग करके हम मिनरल्स फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनसाइड अवर अर्थ क्रस्ट मेंटल का नॉलेज लिया, रॉक मेंटल का बहुत बेसिक लेवल की लर्निंग है ये, नो डाउट। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो ये दोबारा मैं आपको जो है फिर से बेसिक से ही कनेक्ट करके, और फिर ऐसा नहीं कि 7th में जाके पढ़ लेना, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। 11th में जब पढ़ेंगे तो फिर प्रॉपर बेसिक वहीं से शुरू करके एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, SGYT10। इस कोड से आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिविल सर्विस चैंपियनशिप को भी आप SGYT10 से एनरोल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट होने वाला है 13 जून को, ठीक है जी हाँ। तो नए बैचेस के लिए भी जब भी आप एनरोल करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।